हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज फिजिक्स चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ में आंकी क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 3 से 4 कम से कम आंकी क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाले हैं और ये रिवीजन के तौर पर है। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसे आप शायद देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बोर्ड पर समझाने वाला हूँ फेस टू फेस, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहले अच्छे से आपको पढ़ना है। क्या किसी पदार्थ पर, मतलब एक आपके पास पदार्थ है 6.0×10⁻¹⁸ कूलाम आवेश हो सकता है। ये आपको चेक करना है कि क्या किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश टोटल हो सकता है कि नहीं। अब इसमें प्यारे भाइयों, आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उनमें कितना इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है आवेश पर। तो इसी आवेश के सहारे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे और प्रूव कर देंगे कि वाकई में क्या किसी पदार्थ पर इतना कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले प्यारे भाइयों, जो भी यहां पर देके रखा है उसे हम लिखते हैं कि चूंकि दिया क्या है, हल करते हैं, ठीक है। हल क्या दिया है प्यारे भाइयों, दिया है टोटल आवेश देके रखा है, टोटल आवेश देके रखा है क्यू बराबर 6.0×10⁻¹⁸ टोटल आवेश देके रखा है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आप बताइए ई की वैल्यू बताइए, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश होता है और इतना टोटल आवेश देके रखा है। आवेश के क्वांटमीकरण से आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा प्यारे भाइयों, कि क्यू बराबर टोटल कितना होता है। यानी अच्छा ये है क्या चीज, देखिए आपके पास एक चालक पदार्थ है, आपके पास एक चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है यह डिपेंड करता है कुल आवेश, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, 1.6×10⁻¹⁹। तो इसमें जितने भी, मान लेते n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कहलाती कुल आवेश। और कुल आवेश देके रखा है, तो इसको यदि हम पक्षांतर कर दें प्यारे भाइयों, तो यहां पर आपका एन का मान निकल कर आता है E गुणा में ही, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो Q अपान कितना हो जाएगा E। इतना क्लियर, इतना तो आप आसानी से समझ जाएंगे प्यारे भाइयों। अब हमको N की वैल्यू निकालनी है। देखिए Q का मान कितना है, 6.0×10⁻¹⁸ और E का मान प्यारे भाइयों कितना है, 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा, देखिएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 60/16 कर देते हैं और ये ऊपर जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बेसिक यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कहते हैं सर डायरेक्ट यदि आप हल करके रख देंगे तो हमें मतलब रह कि क्या जाएगा, हमको सॉल्व करना नहीं आता है, समझिएगा। तो इसको हम काटते हैं प्यारे भाइयों, काट दें, ठीक है। देखिएगा 16 का पहाड़ा पढ़िए, है ना, 60 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 16 × 3 = 48 कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो कितना हो जाता है प्यारे भाई, दशमलव लगाएं तो 120 हो जाता है, ठीक है। 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 16, 7 = 112, 7 से जाएगा, ठीक है, 112 होगा, फिर आपके पास बचता है 80, है ना, तो 16 × 5 = 80, इतना हो गया, क्लियर। अब हम इसको देखें तो 3.75×10⁻¹⁹, देखिएगा 19 में 18 चला जाएगा तो घात 1 हो जाएगा, और यदि 10 का गुणा कर दें तो 37.5 आएगा। ये क्या आया प्यारे भाइयों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा मैं आपसे कह दूं कि क्या कभी इलेक्ट्रॉन दशमलव में आ सकते हैं, क्या कोई ऐसा कहता है कि एक और आधा इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं कह सकते। यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, 37 इलेक्ट्रॉन और दशमलव 5 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसी भी पदार्थ में ऐसा संभव ही नहीं है, अर्थात यह संभव नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ही होना चाहिए प्यारे भाइयों, क्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं n का मान ये पूर्णांक नहीं है, अतः किसी भी पदार्थ पर 6.0×10⁻¹⁸ कूलाम आवेश नहीं हो सकता। चीजें क्लियर हो गई, यानी आपको लिखना है, क्या लिखना है प्यारे भाइयों, अतः किसी भी पदार्थ पर कितना, 6.0×10⁻¹⁸ कूलाम आवेश, क्या कूलाम आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये भैया हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके समझने की कोशिश करें, कुछ भी कठिन नहीं होता प्यारे भाई, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। एक कूलाम आवेश देके रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, पुनः एन का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है प्यारे भाइयों, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दिया क्या है देखिएगा, दिया है पहले देख लेते हैं, आवेश देके रखा है, क्या देके रखा है आवेश, क्यू का मान देके रखा है कितना प्यारे भाइयों, एक कूलाम। तो एक कूलाम यहां पर आप सिंपल तरीके से लिख लेंगे कि आवेश देके रखा है एक कूलाम, आवेश कितना दिया है एक कूलाम। अच्छा मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना होता है आवेश, तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है इतना हो गया क्लियर। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो वही भैया क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q बराबर यानी तो N बराबर कितना हो जाएगा, E यहां पर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो Q अपान E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है एक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹। ध्यान ये देना है प्यारे भाइयों कि जैसे एक है, इसको हम दशमलव हटाना चाहते हैं, दशमलव हटाना चाहते हैं तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दी, ठीक है दशमलव हटाया हमने, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो ऊपर हमने बढ़ा दिया। ये पूरा का पूरा किस में है, माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, सॉरी 19 होगा ना, 19 ऐसा हो जाएगा। यदि हम एक जीरो यहां पर बढ़ाना चाहे, ऐसा कर दें एक जीरो यहां पर बढ़ाना चाहे, तो यहां पर हो जाएगा 10⁻¹⁸, क्योंकि 16 का भाग देंगे ना, ऐसे में 16 का भाग नहीं जा रहा है, समझ रहे ना। अब 16 का भाग देते हैं, चलिए 100 में 16 का भाग दो, यहां पर मैं काट के दिखा देता हूं आपको सिंपल तरीके से, 16×5 80, 16×6 96 इतना होता है, आ जाएगा 4, फिर जीरो हो जाएगा, दशमलव लगा दो है ना, दशमलव लगाओ जीरो बढ़ा दो, फिर कितना हो जाएगा 16×2 32 है ना प्यारे भाइयों, इतना क्लियर हो गया। अब आप घटाओगे तो 8 आएगा, फिर दशमलव के लिए जीरो बढ़ा दो, तो 16×5 80 यानी 6.25 आया इसको काटने पर, और 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एन का मान, किसका आ गया एन का मान, यानी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकते हो यहां पर लिखना है, अतः एक कूलाम आवेश कितने में प्यारे भाइयों, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6.25×10⁻¹⁸। ओके तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, और आशा उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कौन सा आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पदार्थ है इसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपके पास एक पदार्थ है, ये आपके पास पदार्थ मान के चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताना है। सो सबसे पहले प्यारे भाइयों हम मात्रा की चर्चा करते हैं, क्या क्या देके रखा है, हल करते समय सबसे पहले लिखना होता है जो भी देके रखा होता है उसे लिखते हैं, क्या देके रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन का मान देके रखा, टोटल 100 इलेक्ट्रॉन चले गए कहीं, निकल गए, ठीक है कमी है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और आपसे बनना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल आवेश, तो उसमें आवेश की मात्रा बताना है। तो चूंकि Q बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों, यानी Q बराबर कितना होता है, यानी वैल्यू पुट कर दो, N का मान कितना है 100, N का मान कितना है 100, E का मान कितना है 1.6×10⁻¹⁹, ऐसा हो जाएगा, ठीक। यहां कितने जीरो हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्यारे भाइयों 10⁻², है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि दो जीरो हैं। इसके बाद 1.6×10⁻¹⁹, देखिएगा ये माइनस में है प्लस में है, ये प्लस में है, लिखते नहीं है पर ये माइनस में प्लस में है, तो ये 19 में दो चला जाएगा तो 17 बचेगा, तो 1.6×10⁻¹⁷ कूलाम, ये टोटल आवेश आ गया, है ना आवेश आ गया, पूछा क्या था आवेश की मात्रा। अच्छा मैं आपसे कहूं कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए कौन सा आवेश होगा प्यारे भाइयों, तो आवेश धनावेश होगा, तो चूंकि यहां पर लिख सकते हैं चूंकि पदार्थ में किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए पदार्थ कैसा होगा प्यारे भाइयों, पदार्थ धनावेश होगा,
पदार्थ कैसा होगा? धनावेश होगा। तो इस प्रकार से आज के तीन क्वेश्चन मैंने बोला, अभी था तीन क्वेश्चन कर दिया कंप्लीट। और प्यारे भाइयों, ये बोर्ड में मैं मतलब बहुत कम वीडियो बनाता था और पेन कॉपी पेन से आप लोगों के लिए है ना वीडियो बनाता था। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग जैसा भी रहे है ना राय बताइएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका शेयर लाइक कमेंट ही हमें एक मोटिवेशन का है ना थोड़ा सा हिंट देता है और हम आपके लिए आगामी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि प्यारे भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।